ये एनी नो बिट ये यूज नहीं होगा, तो इसके बदले क्या यूज होगा? ठीक है, देर आर मच बेटर यूज हो सकता है। ठीक है, मॉल एंड रेस्टोरेंट्स इन द सिटी, तो इसका मतलब यही हो रहा है, नो अ बिट और लोट बेटर। ठीक है, लेकिन हम ये वाले वर्ड्स एज ए मॉडिफायर यूज नहीं करेंगे, इसके बदले मच बेटर ये सब करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, क्वाइट इज नॉट नॉर्मली यूज विथ कंपेरिटिव्स, इट इज पॉसिबल इन द एक्सप्रेशन क्वाइट बेटर मीनिंग रिकवर्ड फ्रॉम एन इलनेस। ठीक है, अभी क्वाइट है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता कंपेरिटिव में एज ए मॉडिफायर, लेकिन इसके बदले क्वाइट बेटर यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सुपरलेटिव्स कैन बी मॉडिफाइड बाय माय मच एंड, मॉडिफाइड यहाँ पे बाय आना चाहिए, बाय मच एंड बाय फार, यहाँ पे बाय आएगा, माय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एंड बाय अदर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री सच एज क्वाइट एंड ऑलमोस्ट। तो सुपरलेटिव्स में क्या होगा, कैन बी मॉडिफाइड बाय मच और फार से होगा। ठीक है, सुपरलेटिव में मच एंड फार से हो सकता है, सच एज क्वाइट एंड ऑलमोस्ट, क्वाइट एंड ऑलमोस्ट भी आ सकता है सुपरलेटिव में। लाइक देखते हैं एग्जाम्पल, शी इज बाय फार द ओल्डेस्ट इन द फर्म। यहाँ पे देखिए, ये वाला वर्ड यूज हुआ मॉडिफायर इन अ सुपरलेटिव डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए, ही इज क्वाइट द मोस्ट स्टूपिड पर्सन आई हैव एवर मेट। ठीक है, तो क्वाइट द मोस्ट स्टूपिड, तो क्वाइट वाला भी वर्ड यूज हुआ। नाउ सी, आप ऑलमोस्ट वाला भी खुद बना सकते हो, शी इज ऑलमोस्ट लॉस्ट। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक एग्जाम्पल दिया एक्स्ट्रा, आप भी बना सकते हो। नाउ सी, वेन मोर मॉडिफाइज अ प्लूरल नाउन, इट इज मॉडिफाइड बाय मीनिंग। ठीक है, अगर मोर जो यूज़ होता है एज ए मॉडिफाइड इन प्लूरल नाउन में, तो क्या होगा, इट इज मॉडिफाइड बाय, किसके द्वारा मॉडिफाई होता है, मीनिंग के द्वारा। फॉर इंस्टेंस, मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज, देर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज इन टीचिंग फील्ड। अभी यहाँ पे देखिए, वेन मोर मॉडिफाइज अ सिंगुलर ऑब्लिक अनकाउंटेबल नाउन, इट इज मॉडिफाइड बाय मच। फॉर इंस्टेंट, मच मोर मैनी, अगर हम मोर यूज कर रहे हैं एज ए मॉडिफायर एज सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन में, तो ये जो है मोर किसके द्वारा मॉडिफाई होगा, मच के द्वारा, तो मच मोर हम लिखेंगे, मच मोर मैनी मनी। ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट, सो टिल देन बाय बाय।